हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं दही चटनी के गोलगप्पे। तो आइए देखिए, दही चटनी के गोलगप्पे बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया। एक कप हमने दही ली है। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। ये हमने इमली की चटनी ली है और एक कटा हुआ हमने आलू लिया है, जिसको हमने उबाल कर काट लिया है। एक चौथाई कप हमने सूजी का लिया है और एक कप हमने मैदा को लिया है। मैदा और सूजी को मिलाकर आटा गूंथ लेंगे और उसके बाद हम इसके गोलगप्पे बना लेंगे। और गोलगप्पे तलने के लिए हमने तेल लिया है। मैदा को बड़े बर्तन में डाल लेंगे, सूजी को भी साथ मिला लेंगे और अच्छे से इसको एक बार मिला लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको हम गूंथ लेंगे। बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी से हमें इसको बिल्कुल सख्त गूंद लेना है। आटा को हमने अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिया है। आटा को हम अब एक छोटे से बर्तन में डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। आटा हमारा तैयार हो चुका है और आटा को हम एक छोटे बर्तन में डालकर रख देते हैं। गैस ऑन कर देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, तब तक हम आटे को बेल लेते हैं और उसमें से छोटे छोटे गोलगप्पे तैयार कर लेते हैं। आटा की हमने एक पेड़ा छोटा सा ले लिया है और हम चकला को चिकना कर लेते हैं और चिकना करने पे हम इसको बेलकर और छोटे छोटे गोलगप्पे तैयार कर लेते हैं। चकला को चिकना कर देंगे। अभी हमारे पास एक छोटा सा ढक्कन है। इस ढक्कन को हम इसके ऊपर लगाएंगे और छोटे छोटे गोलगप्पे निकालते जाएंगे, निशान लगाएंगे। और बीच में से हम हटा देंगे। और ये हमारे छोटे छोटे गोलगप्पे तैयार है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम एक गोलगप्पा डालकर देख लेंगे। गोलगप्पा हमारा तैयार कर ऊपर आ गया है। इसी तरीके से हम बाकी के गोलगप्पे भी डालते जाएंगे। ये गोलगप्पे भी हमारे सिक चुके हैं, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। गोलगप्पे हमारे सारे तैयार हो गए हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं। गोलगप्पे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट में इसको सर्व करते हैं। गोलगप्पे ले लेंगे। सर्व करेंगे। आलू भर देंगे। गोलगप्पे में चटनी डालेंगे।
दही डालेंगे। फिर से चटनी डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे। दही चटनी के गोलगप्पे हमारे तैयार हो गए हैं। दही चटनी के गोलगप्पे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम मिर्चों का इस्तेमाल होता है। दही चटनी के गोलगप्पे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ।